नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर 5G वर्सेस Realme 12 Pro Plus 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में 6.41 इंच जबकि 12 प्रो प्लस 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि 30 प्रीमियर 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में 3 इंच जबकि 12 प्रो प्लस 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि 30 प्रीमियर 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो 30 प्रीमियर 5G में 0.31 इंच जबकि 12 प्रो प्लस 5G में 0.34 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि 30 प्रीमियर 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो 30 प्रीमियर 5G में 210 ग्राम जबकि 12 प्रो प्लस 5G में 196 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में LTPO AMOLED जबकि 12 Pro Plus 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो 30 प्रीमियर 5G में 20:9 जबकि 12 Pro Plus 5G में 20:1:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में 6.77 इंचेस जबकि 12 Pro Plus 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 30 प्रीमियर 5G में 1264x2780px FHD+ और 12 Pro Plus 5G में 1080x2412px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 30 प्रीमियर 5G में 89.25% जबकि 12 Pro Plus 5G में 90.68% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 30 प्रीमियर 5G में 451 पिक्सेल प्रति इंच जबकि 12 Pro Plus 5G में 394 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 30 प्रीमियर 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। और 12 प्रो प्लस 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 30 प्रीमियर 5G में 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 12 Pro Plus 5G की बात करें तो उसमें 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 30 प्रीमियर 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और 12 Pro Plus 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में माली G610MC6 जबकि 12 Pro Plus 5G में Adreno 710 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में MediaTek Dimensity 8200 और 12 Pro Plus 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 मिलता है। बात करें रैम की तो 30 प्रीमियर 5G में 12GB की रैम मिलती है, जबकि 12 Pro Plus 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो 30 प्रीमियर 5G में 512GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि 12 Pro Plus 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो 30 प्रीमियर 5G में दो कलर्स जबकि 12 प्रो प्लस 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 30 प्रीमियर 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 12GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 34,990 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें 12 प्रो प्लस 5G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,999 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,500 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो कैमन 30 प्रीमियर 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें रियलमी 12 प्रो प्लस 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 30 प्रीमियर 5G आगे है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में 30 प्रीमियर 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो F25 Pro 5G है, दूसरा नथिंग फोन 2A 5G है, तीसरा वीवो V30 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें वीवो Y200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।